निचले हिमालय की सबसे सुरम्य घाटियों में से एक के रूप में जाने जाने वाली कांगड़ा घाटी अपनी कृषि, पारंपरिक कला, शिल्प और तीर्थ स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी में कई स्थानों को उनके विशिष्टता के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सही एक दावेदार पंजाब के पठानकोट से हिमाचल प्रदेश के जोगिंदर नगर तक 2 फीट 6 इंच की पटरियों पर चलने वाली ट्रेन है, जिसे कि कांगड़ा घाटी रेलवे के रूप में भी जाना जाता है। 90 से भी अधिक वर्षों से नैरो गेज के ट्रैक्स पर चल रही ये रेल उत्तरी भारत के सबसे सुंदर और विविध घाटियों से होते हुए अपना रास्ता बनाती है। कांगड़ा घाटी से होती हुई नैरो गेज की 160 किलोमीटर की हमारी यह यात्रा प्रारंभ होती है पंजाब के पठानकोट से। रोजाना 5 जोड़ी रेलगाड़ियां यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और दिन की तीसरी रेल सेवा, जो कि पठानकोट से चलकर जोगिंदर नगर तक जाएगी, अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर लग चुकी है। पठानकोट में ही डीजल लोको के रख रखाव के लिए नैरो गेज लोकोमोटिव शेड की भी स्थापना की गई है। आज पठानकोट शेड के 204 और 228 ZM4A हवाई ट्रेन को खींचने का कार्य करेंगे। वाले ये लोकोमोटिव इस घाटी की चढ़ाई के लिए पर्याप्त है। घड़ी पर 10:10 और हमारी 04601 तैयार है हमें कांगड़ा घाटी के विहंगम नजारों से रूबरू कराने को। पठानकोट से जोगिंदर नगर 160 किलोमीटर के इस सफ़र का किराया मात्र 70 रुपये है, जो कि इस ट्रेन को आम जनता के बीच सफ़र करने का सबसे सुगम साधन बनाता है। और वहीं दूसरी तरफ इस रेलगाड़ी से कांगड़ा घाटी के खूबसूरत नज़ारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। ১৯২৯ में पहली बार इस रेलवे लाइन को आम जनता के लिए खोला गया था। यह रेल मार्ग राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी में लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और पठानकोट से प्रस्थान करने के पश्चात हिमाचल के राज्य में चलता है। ऊंचाई में अंतर 800 मीटर।
रेल मार्ग का निर्माण अंग्रेजी निर्माणकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। केवल 165 किलोमीटर के रेल खंड पर लगभग 1000 से भी ज्यादा पुलों का निर्माण करना था, उनमें से कुछ की लंबाई 100 मीटर से भी अधिक थी। ये पुल संख्या 32 जो कि बाढ़ में आंशिक रूप से नष्ट हो गया था, जिसको की मरम्मत में लगभग एक साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस यात्रा का कुछ अंदर से नज़ारों का आनंद उठाते हैं तो कुछ बाहर से, क्योंकि इस मार्ग पर केवल दो सुरंगें हैं, घटनाओं की संभावना काफ़ी कम है। रेल मार्ग के निर्माण में घाटी और पहाड़ों के नज़ारों को प्राथमिकता देने की पूरी कोशिश की गई थी। अत्यंत संकीर्ण मोड़ और खड़ी चढ़ाई को भी ध्यान में रखा गया। मूल निर्देश स्पष्ट थे, एक रेल मार्ग का निर्माण जो प्रकृति के अनुरूप हो। चूंकि गेज केवल 76 सेंटीमीटर है, ट्रेन शीर्ष गति पर बहुत अधिक हिलती है। करीब 45 किलोमीटर के सुहाने सफर के बाद रेलगाड़ी अपने पहले मुख्य पड़ाव पर पहुंच रही है, जवानवाला शहर। कुछ यात्री गाड़ी को यहां अलविदा कहते हैं तो कुछ यहां से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। यह रेलगाड़ी न केवल पर्यटकों के आकर्षण बल्कि स्थानीय आबादी के लिए और घाटी में आने जाने वाले कई तीर्थयात्रियों के लिए परिवहन का एक सामान्य साधन है। स्थानीय लोग कांगड़ा घाटी रेलवे को प्रकृति के अनुरूप डिजाइन की गई तकनीकी रचना मानते हैं। मोड़, 993 पुल और केवल दो सुरंग, इसलिए घाटी का दृश्य लगभग निर्बाध है। भले ही कई रोजाना यात्री अब इसका आनंद नहीं लेते, उनके लिए यह रोज की घटना है। We'll be right back.
यह इस क्षेत्र का एक मील का पत्थर है और इसे अवांछित परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जाता। 1970 के दशक तक भाप इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। तब से लेकर अब तक 700 हॉर्स पावर के डीजल इंजन ने गाड़ियों को खींचने का काम किया है। यह रेलगाड़ी भारत की सबसे तेज नैरो गेज पर चलने वाली रेलगाड़ी भी है, जहां यह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अनुमेय गति पर चलती है। नदी के ऊपर बना यह रेल पुल इस रेल खंड के सबसे लंबे पुलों में से एक है। अभी रेलगाड़ी नगरोटा सूर्या पहुंचने वाली है। चूंकि यह रेल मार्ग एकल मार्ग अनुभाग है, यहाँ पर जोगिंदरनगर से चलकर पठानकोट को जाने वाली 04602 इस रेलगाड़ी को यहाँ पार करेगी। नगरोटा सूर्या पर निर्धारित पड़ाव के बाद ट्रेन पठानकोट की ओर प्रस्थान करती है। और कुछ समय के पश्चात हम आगे की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। यह गाड़ी इस रेलखंड में बहुत सारे जल प्रवाहों को पार करती है, जिसके फलस्वरूप ब्यास नदी की रचना होती है। रेलगाड़ी अब ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है।
ज्वालामुखी नाम ज्वलनशील चेहरे की देवी के संदर्भ में पड़ा। कांगड़ा के राजा भूमिचंद कटोच, देवी दुर्गा के एक महान भक्त, ने पवित्र स्थान का स्वप्न देखा और स्वप्न में देखे गए स्थान का पता लगाया गया और राजा ने उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप इस जगह को ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ज्वालामुखी रोड इस मार्ग के सबसे खूबसूरत हिस्सों की शुरुआत का प्रतीक है। अधिकांश भारतीय पर्वतीय रेलवे की तरह इसे अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपने शासन के दौरान बनाया गया था। इस लाइन के निर्माता अर्नेस्ट बर्टन नीव टेलर थे। रेलवे पर काम 1925 में शुरू हुआ। 3 साल बाद केवल माल ढुलाई के लिए इस रेल मार्ग को यातायात के लिए खोला गया। कांगड़ा घाटी में एक नदी के किनारे बड़ा सा जल विद्युत संयंत्र बनाया गया, जहां ट्रेन आवश्यक सामग्री के परिवहन के लिए आदर्श साधन थी। अप्रैल 1929 में पहली यात्री ट्रेन पठानकोट से पालमपुर तक चली। विभिन्न भूकंप और भूस्खलन के बावजूद कांगड़ा घाटी रेलवे दुनिया के सबसे अच्छे रखरखाव वाले पर्वतीय रेलवे में से एक है, इसलिए भारत सरकार ने 2009 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रस्तावित किया। पहली सुरंग का आगमन 80 किलोमीटर बाद होता है। यह सिर्फ 80 मीटर लंबी है। कठिन भूभाग के बावजूद इतने लंबे सीधे खंडों के निर्माण के निर्माणकर्ताओं की उपलब्धि का कांगड़ा घाटी के रेलवे के इतिहास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में कच्चे माल की कमी के कारण अंग्रेज अपने देश में पर्याप्त रेलवे ट्रैक बनाने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने इस रेलखंड के 56 किलोमीटर को ध्वस्त करने और जहाज द्वारा इंग्लैंड वापस ले जाने का आदेश दिया। रेल मार्ग 1954 में वापस पूरी तरह से शुरू हो पाया। क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर कांगड़ा अब दूर नहीं है। कुछ यात्री अब थक चुके हैं क्योंकि वो 4 घंटे से अधिक समय से यात्रा कर रहे हैं। प्रांतीय राजधानी कांगड़ा का स्टेशन घाटी के इस असामान्य रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव।
कांगड़ा और कांगड़ा मंदिर स्टेशन घाटी के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए सुगम आवागमन का प्रवाह प्रदान करते हैं। अब रेलगाड़ी पालमपुर की ओर आगे बढ़ रही है। आज तक कांगड़ा घाटी में यात्रा करने का इस रेलगाड़ी से और सुंदर कोई और माध्यम नहीं है, जिसमें रेल मार्ग के दोनों ओर देखने हेतु विभिन्न दृश्य हैं जो इस घाटी के संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख से भी ज्यादा यात्री इसका एक स्पष्ट संकेत है। यह एक सफलता की कहानी है जो केवल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाधित हुई थी और एक बार फिर 1970 के दशक में एक भूकंप और एक बांध के निर्माण के कारण 1973 और 1976 के बीच मार्गों को बंद कर दिया गया था। लगभग आधे घंटे में हम पालमपुर पहुंचने वाले हैं। कांगड़ा घाटी रेलवे का इतिहास लगभग 90 वर्ष पुराना है, पर भारत का पर्वतीय ट्रेनों का इतिहास बहुत पहले शुरू हुआ, जिसमें लगभग पूरी तरह अंग्रेजों का प्रभुत्व था। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को 1881 में खोला गया था। 1889 में नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे पहली बार 1903 में कांगड़ा घाटी से लगभग 25 साल पहले चली थी। पठानकोट से चलकर हम कब 800 मीटर की ऊंचाई चढ़ गए पता भी नहीं चला। पालमपुर हिमाचल का रेलवे स्टेशन। यह कांगड़ा जिले का एक विख्यात हिल स्टेशन है, जहां हर साल लाखों पर्यटकों का आवागमन होता है। कांगड़ा घाटी रेलवे वास्तव में ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है। तब लोग एक ऐसे मार्ग का निर्माण करने में सक्षम रहे जो पर्यावरण की सुंदरता और शांति के अनुरूप था। उन्नीस
1947 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद भारत सरकार ने इसे बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभाला और इसे आज तक बनाए रखा है। आज भी यह प्रामाणिक और अच्छे आकार में है। बैजनाथ पपरोला अब दूर नहीं है। दिन की 5 में से 4 ट्रेनों का अंतिम पड़ाव बैजनाथ पपरोला ही है और बची हुई एक रेलगाड़ी आगे जाती है जोगिंदर नगर तक। लगभग सभी यात्रियों के यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। हालांकि रेलगाड़ी आगे जोगिंदर नगर तक जाएगी जो यहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि यात्रियों की संख्या काफी कम है, रेलगाड़ी के कुछ डिब्बों को अलग कर दिया जाता है। और अपने निर्धारित ठहराव के बाद रेलगाड़ी वापस अपने आगे की यात्रा पर रवाना हो जाती है। कांगड़ा घाटी रेलवे को दुनिया भर के कई नैरो गेज रेलवे के भागे से बख्शा गया है जो अब पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु केवल विरासत लाइन के रूप में चला करती हैं। और यह इसलिए है क्योंकि आज भी इस घाटी के लोगों के लिए सफर करने हेतु इस रेल सेवा से सस्ता और सुगम साधन और कोई नहीं है।